फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ त्रिभुज से रिलेटेड टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज को समझ लिया है, इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है समरूपता, तो पहले समरूपता को समझते हैं। समरूपता क्या चीज़ होती है? जैसा इस चित्र में आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर। यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, आप देखिए ये आपको दिखने में समान लग रहे हैं लेकिन यहाँ पर दोनों के माप में अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो हमें समरूप कहलाती हैं और इसी गुण को हम समरूपता कहते हैं। यानी कि रूप में हमें समान दिख रही हैं, उनका आकार हमें समान दिख रहा है लेकिन उनका माप परिमाप और क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो सकता है। इस प्रकार की आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। दूसरी चीज़ है सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? तो सर्वांग समता वह गुण है जैसा एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक ले। यानी कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर मैं पूरी तरह ढक लूं तो ये एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, यानी पीछे वाली आकृति हमें नज़र नहीं आएगी। तो इस गुण को हम सर्वांग समता कहेंगे। इस सर्वांग समता में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक लेता है और सर्वांग सम होता है तो इनके संगत कोणों के मान भी समान होते हैं और संगत भुजाओं के मान भी क्रमशः समान होते हैं। अब समरूपता की बात आएगी। समरूपता में एक चीज़ याद रखनी है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनका आकार समान हो सकता है लेकिन उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है, और दो सर्वांग सम त्रिभुज भी समरूप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर्वांग समता के नियमों की ओर। सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के कुछ नियम बताए गए हैं जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर दो त्रिभुज हैं, सर्वांग समता का चिन्ह मैंने इनके ऊपर लगा दिया है, इसे सर्वांग समता से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इनके कुछ नियम हैं। पहला नियम है भुजा 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 नियम है, यानी कि एस एस एस, इसको बोलते हैं एस एस एस। एस यानी साइड, साइड यानी भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह ढक रहा है और ये आपस में सर्वांग सम है, तो इनकी तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रमशः बराबर होंगी। जैसे यदि ये भुजा 3 सेमी की है तो ये भी भुजा 3 सेमी की होगी, और ये भुजा 4 की है तो ये भी 4 की होगी, और ये अगर 5 की है तो ये भी 5 की होगी। यहाँ पर इस नियम में बताया गया है कि यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस, साइड एंगल साइड। दूसरा नियम है, ये नियम बता रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, और एक शर्त और है, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर 60 डिग्री लिख लिया है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे लेकिन सर्वांगसम होने की शर्त यह है कि त्रिभुज की दो भुजाएँ और बीच का कोण, और इस त्रिभुज की दो भुजाएँ और बीच का कोण बराबर होने चाहिए तभी यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगला नियम है तीसरा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इसको कहेंगे ए एस ए, एंगल साइड एंगल नियम। यहाँ हम नियम पढ़ रहे हैं या प्रतिबंध भी बोलते हैं इसे, समझिएगा इस नियम को, कोण भुजा कोण। इसी चीज में समझ लीजिए इसी चित्र को। यहाँ पर अगर मैंने ये 55 डिग्री का कोण यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया है, ये नियम कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनकी संगत भुजा, यानी कि यहाँ देखिए कोण बी कोण क्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, कोण सी बराबर कोण आर
55 डिग्री है तो, और भुजा BC बराबर भुजा QR 3 सेंटीमीटर है। तो ये नियम इस इन त्रिभुजों पे लागू हो रहा है। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगला नियम है समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा इसको कहेंगे RHS नियम। ये नियम समकोण त्रिभुजों पे लागू होता है। देखिए हम समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं, इस तरह के दो समकोण त्रिभुज हैं। यहाँ पर शर्त है कि ये सर्वांगसम होंगे। सर समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होना आवश्यक है, यानी कि ये कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, और समकोण के सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। यहाँ पर नाम दे देंगे ABC और PQR। अब देखिए ये यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये नियम कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण के सामने की भुजा, एक तो राइट एंगल और कर्ण, यानी कि यहाँ पर कर्ण है AC, यहाँ पर कर्ण है PR, समकोण के सामने की भुजा कर्ण और दूसरी भुजा, यहाँ पर इसको सर्वांगसम हम कर लेते हैं, मैंने 4 से भी लिख दिया। तो यहाँ पर कोई एक भुजा उसका कर्ण अगर संगत क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक भुजा और कर्ण के बराबर होगा तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यहाँ समकोण तो नाम से स्पष्ट है, समकोण कर्ण भुजा, समकोण त्रिभुजों में ये नियम लगता है, इसलिए समकोण तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन ही रहेगा। इसी नियम को हम पाइथागोरस प्रमेय से भी पढ़ते हैं, जहाँ जिसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रकार ये नियम है समकोण कर्ण भुजा, यानी कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण और एक आधार या कोई लंब क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और आधार या लंब से बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये हैं सर्वांगसमता के कुछ नियम या प्रतिबंध। रिपीट कर लीजिए, पहला नियम है भुजा भुजा भुजा, यानी कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं या संगत भुजाओं के समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी SAS, यानी दो भुजा और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो। तीसरा नियम था कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो। चौथा नियम समकोण कर्ण भुजा, इस सूत्र से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय भी यूज हो सकती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता के कुछ नियम, और इसी के आधार पर त्रिभुजों की सर्वांगसमता के हम सवालों को हल कर सकते हैं। इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे और सर्वांगसम कब होंगे। तो समरूप और सर्वांगसमता में क्या अंतर है? देखिए समरूप यानी रूप का समान होना, और सर्वांगसमता का मतलब होता है कि इसके सभी अवयव इस त्रिभुज के सभी अवयव के बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके कोण भी, संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। लेकिन समरूप होना ये आवश्यक नहीं है कि इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है, या इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।